सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंग्लिश गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू डिजिटल इंग्लिश गुरुजी। अगर आप मेरे सारे कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं, मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं और मेरे सारे कोर्सेज को अच्छे से समझना चाहते हैं, डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर मेरे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। आप बस सर्च कीजिए एंडी दीक्षित इंग्लिश और वहां पर मेरे सारे कोर्सेज प्लस कोर्स में हैं, लाइव क्लासेस हैं एवरी नाइट, यानी कि हर रात 9 से 10:30 के टाइम पर। 9 से 10:30 हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ भी रहे हैं, क्लासेस को ले रहे हैं। मैं आपको करा रहा हूँ कंप्लीट कोर्स बैंक और एसएससी का। आप मेरे से डायरेक्ट डाउट्स पूछ सकते हैं और न्यू पैटर्न क्वेश्चंस पे भी हम काम कर रहे हैं, द हिंदू क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं लाइव क्लासेस में और फीस बहुत कम है। आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं 500 रुपीज मंथली पड़ेगा 12 महीने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारे फायदे हैं। वो ये कि आप इंग्लिश के साथ साथ बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस भी ले सकते हैं, मेरे अलावा और भी एजुकेटर्स की क्लासेस ले सकते हैं। आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, जीएस पढ़ सकते हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। और अगर आप एंडी दीक्षित रेफरल कोड यूज करते हैं, यानी कि वहां पर एक रेफरल कोड मांगेगा, तो अगर आप रेफरल कोड में एंडी दीक्षित यूज कर देते हो, मेरा नाम यूज करते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा उस फीस में। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ये था मेरी लाइव क्लासेस के बारे में। लाइव क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो यूज रेफरल कोड एंडी दीक्षित एंड गेट 10% डिस्काउंट एंड गेट एवरी सब्जेक्ट क्लास, यानी कि हर सब्जेक्ट की क्लास लीजिए, वहां पर पूरे दिन पढ़िए एक बार सब्सक्रिप्शन करने के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेसन वर्ब्स विद फॉर्मर लेटर फॉलोइंग अंडरसाइन एटसेट्रा। सो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर बैंक पीओ एंड एसएससी जेल एंड सीपीओ एंड फॉर कॉमन एरर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड फॉर ऑल। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉर्मर लेटर फॉलोइंग अंडरसाइन। ठीक है, तो इन वर्ड्स के साथ में अगर नाउन प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो वर्ब्स कैसे लगेगा और किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो देखिए रूल कहता है लाइक प्रोनाउन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव फॉर्मर लेटर फॉलोइंग अंडरसाइंड एटसेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये वर्ड्स जो है वो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं प्रोनाउन की तरह ही। ठीक है, और ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, होते हैं एडजेक्टिव है, बट बिल्कुल प्रोनाउन की तरह ये जो वर्ड्स हैं फॉर्मर लेटर फॉलोइंग अंडरसाइंड एटसेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वर्ब कैन बी यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल विद दीज वर्ड्स। वर्ब जो है वो इन वर्ड्स के साथ में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज हो सकती है, लेकिन वो कहां पर सिंगुलर होगी कहां पर प्लूरल होगी इन सारी चीजों को अभी हम डिस्कस करते हैं। इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्लूरल नाउन देन वर्ब विल बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। अगर आपकी ये जो वर्ड्स हैं लेटर फॉर्मर फॉलोइंग अंडरसाइंड अगर ये वर्ड्स यूज होते हैं प्लूरल नाउन की जगह पर तो वर्ब आपकी प्लूरल रहेगी। एंड इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिंगुलर नाउन और अगर ये वर्ड्स जो है वो सिंगुलर नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं तो वर्ब आपका सिंगुलर रहेगा। ठीक है ना, तो अगर ये वर्ड्स यूज होते हैं सिंगुलर नाउन के प्लेस पर तो वर्ब सिंगुलर रहेगी और अगर प्लूरल नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं तो वर्ब प्लूरल रहेगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ ड्राइडन ओवर मिल्टन इज दैट द फॉर्मर इज ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ हिज यहां पर असेंट दे रखा है, द लेटर हैज क्रिएटेड अ पॉज फ्रॉम विच ही कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल। अब ये टी एस एलियट ने लिखा है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें तो यहां पर आप देख सकते हैं द ग्रेट एडवांटेज ऑफ ड्राइडन ओवर मिल्टन इज दैट द फॉर्मर इज ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ हिज असेंट। तो यहां पर फॉर्मर किसके लिए यूज हुआ है, ड्राइडन एंड मिल्टन की बात चल रही है, तो फॉर्मर यूज यानी कि पहले वाला। अगर आपको फॉर्मर एंड लेटर का कंप्लीट यूज समझना है तो क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स जरूर देखिएगा जो कि मैंने आरबीआई ग्रेड बी के लिए बनाए थे। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी के लिए क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब इसमें ड्राइडन के लिए यूज हुआ है फॉर्मर तो इसलिए इसके साथ में एज लगा हुआ है, और लेटर यूज हुआ है मिल्टन के लिए तो इसके साथ हैज लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहां पर। तो अगर यहां पर फॉर्मर ड्राइडन एंड मिल्टन के लिए दोनों के लिए यूज होता तो हम यहां पर आर लगाते, अगर यहां तीन लोग होते तो दो लोग हैं तो फॉर्मर हो गया ये और लेटर हो गया ये। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन यहां दे रखा है। फर्स्ट सेंटेंस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड फॉर द फॉर्मर एंड द लेटर बिकॉज ऑफ बोथ द फॉर्मर एंड द लेटर यूज फॉर बोथ सिंगुलर नाउन। ये दोनों के दोनों सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुए हैं, फॉर्मर फॉर ड्राइडन एंड द लेटर फॉर मिल्टन। ओके, तो यहां आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इट इज वॉट, अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए,
It is what makes Marvel a classic, classic in sense in which Gray and Colin are not. For the later with all their, यहाँ पर आपका Gray and Collins की बात चल रही है, तो आप देख सकते हो कि Gray and Collins की बात चल रही है, तो ये जो later word use हुआ है, इन दोनों के लिए use हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये and से connected है, तो all their accredited purity are poor in shade of feeling, तो यहाँ पर are use हुआ, and their use हुआ, ये किसके लिए use हुआ है, the later के लिए, and the later use हुआ है आपका Gray and Collins के लिए, तो ये दोनों के दोनों बहुत ही famous writer हैं, poet हैं, Thomas Gray and Collins, ठीक है, तो ये भी Eliot ने लिखा है, and later use हुआ है इन दोनों के लिए, तो हमने are use कर दिया, their use कर दिया, ठीक है, in the second statement, in the second sentence, plural verb are is used for the later, because here, the later is used for plural noun Gray and Collins. Here R is correct and is wrong. Is यहाँ पर wrong होगा और R यहाँ पर हमारा correct होगा. कुछ और sentences में देख लेते हैं. This rule also applies to the following and the undersigned examples. The following are the new rates. हम इस तरीके से use कर सकते हैं. तो यहाँ जो following are the new rates use हुआ है, ये बाद वाले noun के according use हुआ है. क्योंकि following के साथ में अगर हम लगाएंगे, तो बाद वाले के according verb लगेगी. The following is the disease report. तो देखिए following यानी कि जो दे रखी है disease report. अब report हमारा singular तो use हो गया is और rates use हुआ है तो use हो गया are. तो following के साथ में हम बाद वाले के according use करते हैं. The undersigned request the pleasure of your company tomorrow at 4 PM. तो यहाँ पर request की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या use कर दिया, plural way में use कर दिया, ठीक है. अब इस तरीके से यहाँ pleasure के लिए use कर दिया, ये singular तो request में use कर दिया. The undersigned request the pleasure, अगर plural में होता और ये इसको हम plural में बोलते तो इसको हम request use करते, plural के साथ s और s नहीं लगाते. Remember we never make these former later following and undersigned in plural form by adding s or es. हम कभी भी इनको plural नहीं बनाते हैं, formers, laters, followings and undersigns करके. ये हमेशा singular में ही रहते हैं, adjective की तरह काम करते हैं, लेकिन following और undersigned के साथ में जो verb लगाएंगे उसके बाद के according और बाद वाले noun के according, और अगर हम former later के according लगाएंगे तो former later किसके लिए use हुआ है ये देखना हमारा बनता है. Former अगर singular के लिए use हुआ है तो singular verb, former अगर plural के लिए use हुआ है तो plural verb. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे Mohan and Rakesh are my friends but I like former and former is intelligent. तो Mohan intelligent हुआ क्योंकि Mohan former है. और अगर हम बोलते Mohan, Rakesh and Suresh, तो Mohan और Rakesh जो है वो former हो गए तो plural लगता, Mohan and Rakesh and Suresh are my friends but former are intelligent. तो former and से पहले वाले होंगे, ठीक है ना, उसी तरीके से लेटर का कॉन्सेप्ट होता है. इसके लिए आप क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स जरूर देख लीजिएगा. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अगर हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो देखिए आप यहां एक्सरसाइज की अगर बात हो रही है तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं. पहला दे रखा है द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तो यहां अंडरसाइंड नहीं होगा, अंडरसाइंड होगा क्योंकि इसको प्लूरल नहीं बनाते. द फॉलोइंग आर द मार्केट रिपोर्ट, तो मार्केट रिपोर्ट की बात हो रही है तो आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, ठीक है ना. शॉ एंड शेक्सपियर आर ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ये दो लोग हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड शेक्सपियर, ये दोनों ही बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट हुए हैं. एक्चुअली आज का बच्चा इनके ड्रामास को नहीं पढ़ता, पुरानी पोएम्स को नहीं पढ़ता, पुरानी राइटिंग्स को नहीं पढ़ता, तो इनको पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे हमें नॉलेज मिलता है, जीवन लाइफ के तरीके मिलते हैं. तो यहाँ शॉ एंड शेक्सपियर आर ग्रेट ड्रामेटिस्ट बट द डिफरेंस इज दैट द फॉर्मर आर एंटी रोमांटिक वेयर एज द लेटर रोमांटिक. तो यहाँ पर फॉर्मर इज यूज होगा और लेटर इज यूज होगा. द लेटर इज रोमांटिक एंड फॉर्मर इज एंटी रोमांटिक. तो ये शॉ जो है वो एंटी रोमांटिक था क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, फॉर्मर यूज हुआ है शॉ के लिए एंड शेक्सपियर के लिए यूज हुआ है द लेटर, तो यहाँ पे इज लगेगा, इज रोमांटिक. तो दोनों जगह पर द फॉर्मर इज, द लेटर इज यूज होगा, ठीक है ना. Both Keats and Shelley are good poets, but the latter are not as great as the former. तो Keats और John Keats और P.B. Shelley की बात हो रही है, तो John Keats और P.B. Shelley जो है वो दोनों ही अच्छे poets थे, but the latter यानी कि बाद वाले जो P.B. Shelley थे is not as great as the former. उतने ज्यादा great नहीं थे जितने कि John Keats थे, ठीक है. बहुत अच्छी पोएम्स लिखी है इन्होंने, आप पढ़िएगा कभी, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा. तो शैली के लिए बात हो रही है तो यहाँ पर इज लगेगा, ठीक है. और फॉर्मर यूज हुआ है किड्स के लिए, किड्स एक ही आदमी है, ठीक है. तो ये हमारे आंसर दे रखे हैं, अंडरसाइंड होगा, इज होगा, द फॉर्मर इज, द लेटर इज होगा, द लेटर इज होगा, ओके. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज शेयर.